हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैं कपिल काद्यान वेलकम करता हूं आपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर सो डियर स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लिखे आए हैं क्लास एट से रिलेटेड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स तो इस चैप्टर की हम पूरी एक्सप्लेनेशंस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर तो आपने इस चैप्टर को अंत तक देखना है और यदि जो हमारे नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं इस वीडियो के साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक we wear ए क्लॉथ्स मेड अप ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक फैब्रिक इज मेड ऑफ ए डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फाइबर जो फैब्रिक है वो किससे बनी है डिफरेंट टाइप ऑफ ए फाइबर से ए फाइबर इज ए स्ट्रांग एंड फ्लैक्सेबल थ्रेड लाइक मटीरियल दैट इज यूज टू मेक ए फैब्रिक की जो फाइबर होती है वो क्या होती है स्ट्रांग और फ्लेक्सेबल थ्रेड है लाइक मटीरियल दैट इज यूज टू मेक और उसके द्वारा क्या बनाई जाती है फैब्रिक बनाई जाती है अब उसके बाद एक टाइप्स ऑफ ए फाइबर्स कितने टाइप्स की होती है देर आर टू टाइप्स ऑफ ए फाइबर फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए नेचुरल फाइबर सेकंड इज ए ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर कि नेचुरल फाइबर्स क्या है इसके अंदर कि द फाइबर्स ऑफटेन फ्रॉम ए प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड इज ए नेचुरल फाइबर्स कि जो प्लांट से मिलती है दिस इज कॉल्ड इज ए नेचुरल फाइबर्स कॉटन जूट लिनिन द एग्जैम्पल ऑफ ए प्लांट फाइबर वुल सिल्क एंड द एग्जैंपल ऑफ ए एनिमल फाइबर आफ्टर दैट हुमन मेड सिंथेटिक फाइबर कौन सी होती है व्यूमन मेड बोलो या इसको आप सिंथेटिक फाइबर कि द फाइबर ऑप्टेड थ्रू ए डिफरेंट केमिकल्स प्रोसेस इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इज ए ह्यूमन मेड और ए सिंथेटिक फाइबर उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर आर इज परपेड बाई यूजिंग ए रो मटीरियल ऑफ ए पेट्रोलियम ओरिजन इज कॉल्ड इज ए पेट्रोकेमिकल्स रेयन इसके जो एग्जाम्पल है नाइलॉन एंड टेरिलेन दिस इज द

Take about in a 12 paper clip and join them together. The make of a long chain. ek lambi chain bana di jati hai In both of the examples, a large number of a beads or a clip are joined together to form a long chain. And so beads or ab इसके अंदर ये देखिए आपको ये दिखाया जा ना कि पहले वाले में क्या है एक necklace of beads है, second वाले में क्या है कि एक paper clips है, है, है। This is a paper clips. Joined in the form of a किसकी फॉर्म में है कि long chain की फॉर्म में है। द पेपर क्लिप्स आर ए स्मॉलर यूनिट दैट ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म इज ए लार्ज यूनिट द स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड जो स्मॉलर यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है मोनोमार्स एंड ए लार्ज सिंगल यूनिट इज कोल्ड इज ए पोलीमार्स की जो लार्ज सिंगल यूनिट होती है इज कोल्ड उसको पोलीमर्स बोलते हैं अब उसके बाद बेसिकली कि ए पोलीमर इज ए वेरी लार्ज यूनिट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉलर मोलिक्यूल्स की जो पोलीमर है की एक लार्ज यूनिट है फोर्म बाय द कॉम्बिनेशन किसके कॉम्बिनेशन से बनी है लार्ज नंबर ऑफ ए स्मोलर मोलिक्यूल्स कॉन्ड जिसको मोनोमर्स बोलते हैं ज्वाइन एंड टू एंड इन ए केमिकल बॉन्ड किसके द्वारा ज्वाइन की जाती है केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा द अदर वर्ड ऑफ पोलिमर्स इज केम फ्रॉम इन ए ग्रीक वर्ड पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट ये क्या होती है एक रिपीटिंग यूनिट उसके बाद है पोलिमराइजेशन पोलिमराइजेशन इज द प्रोसेस ज्वाइन टूगैदर ए लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल मोलिक्यूल्स मींस लाइक इज ए मोनोमर्स टू फॉर्म ए वेरी लार्ज मोलिक्यूल्स मीनस को हम क्या बोलते हैं पोलिमर्स बोलते हैं अब उसके बाद नेचुरल फाइबर्स नेचुरल फाइबर ऑल्सो इज ए पोलिमर्स और कॉटन फाइबर इज ए पोलिमर्स इज मेड ऑफ किससे बनती है जो कॉटन की फाइबर है वो सैल्योज से बनती है इट इज मेड ऑफ मैनी ग्लूकोज मोनोमर्स इसके अंदर क्या होते हैं काफी ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ज्वाइनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्लूकोज इसको हम मोनोमर्स बोलते हैं इन दी प्रेजेंस लाइक इज ए पोलिमराइजेशन सो दिस इज कॉल्ड इज ए सैल्युलज इसको कॉटन का पोलीमर्स बोलते हैं सिमिलरली नाइलॉन इज पर बाय द पोलिमराइजेशन ऑफ ए एमाइड मोलिक्यूल्स किससे बने हैं ये एमाइड के मोलिक्यूल से उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक जो फाइबर्स होती है उसके टाइप कितने टाइप्स की कि होती है फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ए संथेटिक फाइबर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स सम ऑफ ए रेन नाइलोन पोलिस्टर एंड एक्रेलिक फाइबर्स फर्स्ट हम रिपीट करेंगे कि रेयान क्या होता है इट इज ए संथेटिक फाइबर परपेयर बाय ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए वुड पल

वॉन इन ए समर इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं पहन सकते हैं समर के अंदर अब इसके जो यूजेस है रियान के इट इज यूज इन ए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ए फैब्रिक इट इज ए मिक्स ऑफ ए कॉटन टू मेक ए बेडशीट ड्रेसेज एपरस एंड कैप्स इट इज ए मिक्स विद वूल टू मेक ए ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल कार्पेट इट इज यूज टू मैन्युफेक्चरिंग ऑफ ए टायर्यर कोड के लिए यूज की जाती है इट इज यूज टू फॉर मेकिंग ए बैंडेजेस एंड लिंक फॉर द सर्जिकल ड्रेसेज ऑफ ए व अब जैसा कि एग्जाम्पल भी दिया गया है नीचे कारपेट ये कारपेट दिखाई दे रहा है फिगरे के अंदर और टायर के अंदर यूज की जाती है उसके बाद नेक्स्ट हमारा नाइलॉन नाइलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज मेड बाय ए हुम्स इट इज ए पोली एमाइड्स फाइबर मीन्स लाइक इज ए पोलीमर पर पेड बाय ज्वाइनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एमाइड मोलिक्यूल्स इज मीन्स इज ए मोनोमर्स अब उसके बाद है नाइलॉन इज ए वेरी स्ट्रांग लस्टर्स एंड हाईली इलास्टिक एक्सट्रीमली फाइन लाइट वेट

एंड पैरासूट फाइबर स्टिचिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड रैकेट्स। इसके अंदर इसको यूज किया जाता है जैसे कि एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको कि क्लिम्बिंग रोपस के लिए ए स्पोर्ट्स के लिए यूज की जाती है नाइलॉन सॉक्स के लिए कि ए वूल ब्लैंड विद ए नाइलॉन इज यूज टू मेक ए सॉक्स सूट्स एंड कार्पेट इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टेक्सटाइल क्लॉथिंग लाइक सारी शर्ट्स नेकलेट इसके अंदर यूज किया जाता है इसको उसके बाद नेक्स्ट हमारा पोलिस्टर पोलिस्टर क्या होता है इट इज ए पोलिमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिकल कॉल्ड इज एस्टर एस्टर इज ए केमिकल इन ए गिव इज द फ्रूटी स्मेल ये क्या देता है फ्रूटी स्मेल देता है अब इसके अंदर है टेरिलीन और टेरिन और टेक्रॉन दिस इज द सम एग्जाम्पल ऑफ ए पोलिस्टर फाइबर ये किसके एग्जाम्पल है ये पोलिस्टर फाइबर्स के अब जो टेरिलीन है टेरिलीन फॉर्म्स इज ए टेरिकोट विच इज मिक्स विद कॉटन ये किसके द्वारा बनी है कॉटन के द्वारा और टेरी वोल्स वेन मिक्स विद ए द पोलिस्टर कैन बी ड्रॉन इन टू ए वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी ओवन लाइक इज एनी अदर यान किसकी होती है ये अब इसके अंदर पोलिस्टर इज पोलिस्टर इज क्या होती है लाइट वेट स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एबजोर्व ए लिटल अमाउंट ऑफ वाटर ड्राई क्विकली आफ्टर वॉश एंड ड्रिंकल फ्री रिंकल फ्री होती है ड्राई वॉश इजली हो जाती है उसके यूजेस पोलिस्टर के यूजेस क्या है फर्स्ट पोलिस्टर फाइबर आर यूज फॉर ए मैन्यूफेक्चरिंग सारी लिए यूज़ के, material, sales sales के लिए यूज किए जाते हैं ड्रेस मटेरियल कटिंग इट इज यूज फॉर मेकिंग इज ए सेल्स एंड सेल्स बोर्ड्स के लिए यूज एंड नेक्स्ट स्टेप है इसका इट इज यूज फॉर मेकिंग ए वाटर हॉर्स एंड फाइबर फाइटनिंग ऑपरेशन इट इज यूज फॉर मेकिंग ए कॉन्वेयर बेल्ट के अंदर यूज की जाती है सेकंडली है इसके अंदर नेक्स्ट टेरी कोट्स इज यूज टू मेकिंग ए सार्ट ट्राउजर एंड अदर ड्रेस मटेरियल उसके बाद नेक्स्ट टेरी टेरीवोल्स इज यूज फॉर मेकिंग ए सूट्स के लिए यूज की जाती है नेक्स्ट है हमारी एक्रेलिक फाइबर्स एक्रेलिक फाइबर्स क्या होती है एक्रेलिक फाइबर इज ए सिंथेटिक फाइबर इज मेड फ्रॉम ए पोलीमार कॉल्ड इज इसको क्या बोलते हैं पोली एक्राइलो नाइट्राइल द्वारा फिर देख फाइबर इज ए सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम ए पोलीमार इज कॉल्ड इज ए पोली एक्राइलो नाइट्राइल की एक्राइल फाइबर इज ए लाइट वेट सॉफ्ट वार्म एंड विथ ए वूल लाइक फेल्स इट कैन बी डाइड विन ए डिफरेंट कलर ये किसकी उसमें होती है डायड की जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर अब इसके जो यूजेज हैं यूजेज ऑफ एक्रेलिक फाइबर द वूल्स इज ऑबटेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स इज ए क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर इज द क्लॉथ मेड फ्रॉम ए एक्रेलिक फाइबर आर रिलेटिवली चीप अक्रैलिक फाइबर आर यूज किसके लिए यूज करते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग ए स्वेटर्स के लिए शावल्स के लिए ब्लैंकेट जैकेट एंड कज़न्स के लिए क्वजीं वगैरह बनाए जाते हैं जैसे ये है उसके बाद नेक्स्ट इसके एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या होते हैं हाई टेंशियल स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेटिक फाइबर इज ए वेरी स्ट्रांग एंड वेरी हाई टेंशियल स्ट्रेंथ एज दे कैन बी होल्ड लार्ज एमाउंट ऑफ ए वेट विदाउट इन ए कंपेरिजन ऑफ नेचुरल फाइबर लाइक इज ए कॉटन एंड वूल। सेकेंडली है इसका कि लोक low water absorbing capacity the synthetic fiber absorb very little amount of water means like is a moisture due to this a wet cloth of a synthetic fibers dried out rapidly synthetic fiber is said to be possess a drip dry properties natural fiber like is a cotton wool silk absorb a large amount of a water एंड दे डो नॉट ड्राई आउट रेपिडली इसको इसलिए क्या करते हैं डो नॉट ड्राई नहीं कर सकते रैपिडली उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्वाइंट थर्ड एब्जेसन रेजिस्टेंस क्या होता है एबजेस्ट मीन्स मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर ए वेरी हाई एबजेंस मीन्स लाइक इज ए वियर एंड टीयर रजिस्टेंस सौ क्लॉथ्स मेड ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर्स आर ए लॉन्ग लास्टिंग और ए ड्यूरेबल नेचुरल फाइबर हैव ए लो क्या है एब्रेशन रजिस्टेंस एंड दे आर ए लेस ड्यूरेबल इसलिए क्या आते हैं वो लेस ड्यूरेबल नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेस एक्सपेंसिव सिंथेटिक फाइबर इज लेस एक्सपेंसिव एंड मोर अफोर्डेबल देन इज ए नेचुरल फाइबर नेक्स्ट ए गुड इलास्टिक सिटी मोस्ट सिंथेटिक फाइबर आर फेयरली इलास्टिक दे कैन बी स्ट्रेच और ए कॉम्प्रेस टू ए सम एक्सटेंट और रिलीजिंग द फोर्स दे रिगेन्स दियर ओरिजिनल शेप एंड साइज फॉर एग्जाम्पल सोक्स मेड ऑफ ए नाइलॉन रिटेन दियर शेप्स इवन आफ्टर रिपीटेड यूज नेचुरल फाइबर आर इज नॉट फेयरली इलास्टिक एज कंपेयर टू ए सिंथेटिक फाइबर उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस वो भी कर लेते हैं अभी कि डिसएडवांटेज ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट एंड बर्न्स इजली कि जो सिंथेटिक फाइबर होती है कैच ए फायर मोर रेपिडली देन इज ए नेचुरल फाइबर ए सिंथेटिक फाइबर ऑन कैचिंग ए फायर श्रिंक फॉर्मिंग ए बीड दैट स्टिक्स टू द स्किन देयर फॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज ए क्लॉथ्स मेड फ्रॉम ए सिंथेटिक फाइबर वाइल वर्किंग नियर फ्लेम एंड फाइबर सच एज इन किचन्स उसके बाद सेकेंडली नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल देयर फॉर दे कॉज ऑफ ए सॉयल पॉल्यूशंस फोर्थ पॉइंट थर्ड पॉइंट है अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्व वेरी लिटिल मॉस्वर एंड हॉट एंड होमिट वेदर व्हेन वी स्वेट, द स्वेट इज ट्रैप्ड बिटवीन द फैब्रिक एंड ओवर स्किन सो द सिंथेटिक फाइबर इज स्टिकी इन दॉडी एंड वैन द बॉडी स्वैट एंड मेक दियर वियर का अनकम्फर्टेबल इसलिए वो क्या होती है अनकंफर्टेबल होती है पहनने के लिए फोर्थ पॉइंट है डेवलप ए स्किन प्रॉब्लम्स कि जो सिंथेटिक फाइबर है इज कॉज ऑफ ए स्किन डिसीजेस पैदा करती है लाइक इज एक्जीमिया इन सम एग्जाम्पल्स सो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो सो so, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू बाय